अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाइयों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं बैटरी चार्जर, 12 वोल्ट बैटरी चार्जर। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई ये रहा हमारा 12 वोल्ट ऑटोमेटिक बैटरी चार्जर 10 एम्पेयर में। इससे आप 100 एम्पेयर तक बैटरी इजीली चार्ज कर सकते हैं। तो इसको आप ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या प्रोसेस है इसका। ये रहा भाई चार्जर और ये इसका डब्बा, डब्बा साइड पर कर लेते हैं। तो भाई इसमें ये होता है 12 वोल्ट 10 एम्पेयर ऑटोमेटिक चार्जर। इससे हम कोई भी छोटी बड़ी बैटरी सब चार्ज कर सकते हैं। उसमें एक और ख़ासियत है कि ये डायरेक्ट अगर आप डीसी रूम कूलर वगैरह वो भी आप इस पर चला सकते हैं। चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह बैटरी चार्ज करता है। इसको सबसे पहले हमने एसी सप्लाई देनी है। एसी सप्लाई देते ही इसकी ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है। इसका यही प्रोसेस है आम जिस तरह हर बैटरी चार्जर चार्ज करता है, पॉजिटिव पर पॉजिटिव, नेगेटिव पर नेगेटिव और पॉजिटिव पर पॉजिटिव। फिर टर्मिनल लगाते ही इसकी रेड लाइट ऑन हो जाएगी। रेड लाइट ऑन है और इसका जो पीछे से फैन चालू है, ये आप देख सकते हैं। इसका ये फ़ैन चालू था, मैंने टर्मिनल उठाया है तो ये फ़ैन रुक जाएगा, आप देख सकते हैं वीडियो में क्लियर। तो ये बैटरी चार्ज कर रहा है। ये जब बैटरी ये चार्ज होगी, फुल ऑटोमेटिक है ये, जब बैटरी फुल होगी तो ये ऑटोमेटिक लाइट ग्रीन कर देगा, ऑटोमेटिक ये चार्जर बंद हो जाएगा। और इसके साथ आप डीसी रूम कूलर वगैरह, डीसी मोटर्स वगैरह और डीसी बल्ब वगैरह कुछ भी चला सकते हो। तो भाई यही थी आज की वीडियो, ये थी 12 वोल्ट की बैटरी जो हमने चार्ज की है इस ऑटोमेटिक चार्जर के साथ। तो याद रहे कि ये जब करें आप इसको तो एहतियात से उतारें ये टर्मिनल, और जब ये पावर ऑन हो इसकी तो ये टर्मिनल आपस में ना टकराएं, क्योंकि इसके चार्जर के जलने का ख़तरा होता है सर। और चार्जर ये काफ़ी बेहतर अच्छा चार्जर है। उम्मीद है आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। इसके साथ हमें इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।